रहमान रहीम फूडी फैमिली में वेलकम यूट्यूब व्यूवर्स को। आज हम बना रहे हैं प्याज वाले पराठे, वो आपको बताते हैं कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम आटे को कर लेते हैं, बाद में चीज़ें मिक्स करेंगे। आटे में से मैंने एक पेड़ा लिया, इसको घी लगा के पेड़ा बना लेंगे। सबसे पहले इस पे घी लगाएंगे, घी और नमक इकट्ठा ही डाल देंगे हम। पूरे पे अच्छी तरह घी फैला के इस पे फिर आटा छिड़कना खुशक वाला। अब इसके पेड़े बना लेंगे। इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ये हमारे पेड़े रेडी हैं, थोड़ा पीछे करो कैमरे। ये देखें जी, पेड़े रेडी हैं। अब हम चीज़ें मिक्स, हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सामान रेडी करने लगे हैं जो इन पराठों में भरना है प्याज के साथ। हमने ये प्याज लिया था, दो बड़े प्याज हैं। इनको नमक लगा के पानी में डाल के रख दिया और इनको अच्छी तरह धो के इनका सारी कुड़तन वगैरह निकाल के नरम प्याज करके रुमाल में डाल के इसको निचोड़ा है ताकि पानी सारा निकल जाए। ये प्याज डालेंगे, अदरक है, ये कद्दूकस की हुई है, ये जाएगी, हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, और ये हरी मिर्चें चॉप की हुई या फाइन चॉप की हैं मैंने, ये जाएंगी। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, सारी मिक्स करके ये थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, रेड चिली नहीं डालनी इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने सारी वो ग्रीन जो हैं वो कम से कम 20 लेके काटी हैं, धो के अच्छी तरह फिर उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। ये अच्छी तरह हो गया है मिक्स ज़ीरा। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं पराठे में। ये हमने एक पेड़ा लिया, इसको खुशक आटा लगा के ये देखें जी इसी तरह दूसरा कर लेंगे, फिर ये फिलिंग इसमें भरेंगे प्याज वाली। आज सारी फैला देंगे अच्छी तरह। नमक हमने जब इस वक्त पेड़ा बनाया ना उसी वक्त इसमें आटे में डाल दिया था नमक, अब मज़ीद डाला तो कड़वा हो जाएगा इसलिए नमक नहीं अब इसमें डालना। ये दूसरा पेड़ा ऊपर रख के साइडों से अच्छी तरह प्रेस करके अब इसे बेलेंगे, खोशक आटा लगा के ना थोड़ी, अब इसे करेंगे बेल के ना डालना है उधर। आटा आम आटा है जो चक्की से मिलता है वो वाला, कोई मतलब इसमें वो फाइन आटा वगैरह कुछ नहीं शामिल किया हुआ, सिंपल आटा आप अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो ही डालें। और अब हम इसको, हाँ जी अभी ये देखें रोटी तवे पे डालेंगे पराठा। ये प्याज की वजह से ना फट जाता है, हाँ जी अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी साइडों पे हल्का हल्का घी डाल के
बरसात में ये रोटी बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी। ये नहीं जी, हमारा प्याज वाला पराठा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसे और रेड करेंगे, थोड़ा सा और रेड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। हमारा प्याज वाला पराठा रेडी है। हाँ जी, हमारा प्याज वाला पराठा रेडी हो गया। अब हम शाही पराठा रेडी करने लगे हैं। ये देखें अब ये कैसे रेडी होता है। इसके लिए हमने लिया है चंद बादाम, काजू और पिस्ता और सौंफ, इनको दरदरा सा पीस लिया, और साथ चीनी, चीनी पीसी नहीं है, चीनी अलहदा से ही है। अब हम इसके पेड़े बनाने के बाद इसमें चीनी डालेंगे थोड़ी सी, अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 टेबल स्पून से कम ही है। यूँ फैला के पूरे पेड़े पे अच्छी तरह। अब ये जो बादाम, काजू और पिस्ता और सौंफ, इनको मैंने दरदरा कर लिया था, ये देखें अब ये डाल रही हूँ। किशमिश में इसमें डलती डालनी हो तो आप डाल लें, लेकिन वो अच्छी नहीं लगती, वो चिपक चिपक जाती है साथ। ये लें जी, ये भी हो गया। प्याज वाला पराठा खाने के बाद ये स्वीट पराठा, थोड़ा थोड़ा इसकी साइडें अच्छी तरह दबा के, अब इसे डालेंगे तवे पे। तवा ज़्यादा गर्म है, मेरा वाला तवा ज़्यादा गर्म हो गया है, ठहर जाओ। चलो इस पर घी डालेंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, घी देसी डालना है, दूसरा डालना, जो भी डालना चाहते हैं आप डाल लें। तुम्हारा हिसाब है। चलो जी, ये मैंने उल्टा दिया। ओहो, इसकी इस तरफ भी ऑयल लगाएंगे, ये घी जो भी आपने लगाना है लगा के। देखिए जी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ, ये सारी चीज़ें पीस के डालनी है इसमें, ये थोड़ा क्रिस्पी बनाना है। ये देखें जी, ये रेड हो गया।